हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा? हाँ जी, तो बेटा, अकाउंटेंसी में जो चैप्टर नंबर 3 हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग गुडविल और वी कैन से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसके अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा कि गुडविल क्या है, उसके फीचर्स, उसके फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं उसको, हमें वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो हमने सारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा उसका। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने एक उसका मेथड किया एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट अपना मेथड आएगा बेटा, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है उसको ज़रा समझते हैं ध्यान से। तो बोल रहा है सुपर प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस यूनिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ सिमिलर क्लास ऑफ बिजनेस, ठीक है। समझो जरा इसको क्या बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट क्या है, कि इट इज़ द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ये एक्सेस में काम कर रहा है, ठीक है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, उसके बाद ये एक लाइन और बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ सिमिलर क्लास ऑफ बिजनेस, मतलब सिमिलर क्लास ऑफ बिजनेस में जो हर एक बिजनेस जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, अगर आपका बिजनेस सेम उसी क्लास का है पर उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपको जो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा रहा है आपके बिजनेस के थ्रू, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट में, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो बेटा, आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ये देखो जितनी फर्म्स हैं यारी, ये सारी फर्म्स क्या हैं बेटा, ये सिमिलर नेचर की फर्म है, तो सिमिलर बिजनेस करती हैं, एक जैसा बिजनेस करती हैं, ठीक है। लेकिन फर्म ए, फर्म बी, फर्म डी, फर्म ई, ये सारे के सारे फर्म 10% प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन आपकी जो फर्म सी थी बेटा, ध्यान देंगे तो ये 15% प्रॉफिट कमा रही है ना। तो जो ये 15% प्रॉफिट कमा रही है ना बेटा, यहाँ पर 5% एक्स्ट्रा कमा रही है। तो जो 5% एक्स्ट्रा कमा रही है, तो ये 5% प्रॉफिट इस फर्म के लिए क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? तो वो चीज़ समझा रहा है बेटा यहाँ पर ये। तो सुपर प्रॉफिट जो है उसको निकालने का तरीका क्या है, उसके अंडर गुडविल कैसे निकलती है, उसको डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखो जरा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मेनली क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आपके सामने देखो दिख रहा है कि सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है बेटा, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। इसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसमें से आपने माइनस क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, तो देखिए बेटा अगला पॉइंट नॉर्मल प्रॉफिट के लिए है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या बोल रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, NRR बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इसके लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को निकाल देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट था, जो एवरेज प्रॉफिट था, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए सिंपल वही फंडा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है बेटा। सुपर प्रॉफिट को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपका क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। हाँ जी, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है बेटा, इसमें आप देख रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, 20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 8%। गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर्स परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना दे दिया, 2 ईयर्स। तो आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमें पता है गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए और हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब एक्चुअल प्रॉफिट बोले तो एवरेज प्रॉफिट, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है, तो पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए बेटा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पीछे देखा था पिछली स्लाइड में कि क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2 लाख था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8% है। तो 2 लाख का 8% निकाल देंगे तो कितना आ गया, 16,000, है ना। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है बेटा इस तरीके से। तो सुपर प्रॉफिट में से आप क्या करें, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, जो आप निकाल चुके हैं अभी। तो 20,000 में से 16,000 को माइनस किया तो कितना बचा, 4,000, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए, तो 4,000 आपका क्या गया, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है। तो सुपर प्रॉफिट 4,000 था, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 है। तो 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल निकल जाएगा ऑफ द फर्म विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दैट इज 8,000। यस, अब देखो बेटा थोड़ा डीप समझते हैं इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमें पता है सुपर प्रॉफिट को हमें मल्टीप्लाई करना है गुडविल निकालने के लिए किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है।
तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको मैक्सिमम केसेस में गिवन होगी, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आपके सामने। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे बेटा। यस, तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है बेटा, ये मेन पॉइंट है, इसको देखिए ज़रा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बेटा हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, दो अप्रोच जिसको हम बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड अप्रोच एंड लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच। कौन कौन से अप्रोच हैं, शेयर होल्डर फंड अप्रोच एंड लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच। दोनों ही केस में देखो जो अप्रोच होंगी, एक तो एसेट साइड अप्रोच, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच। इसमें भी एसेट साइड अप्रोच, इसमें भी लाइबिलिटी साइड अप्रोच। आपको ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर जो शेयर होल्डर फंड अप्रोच है उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे ना बेटा, उसको आपने हमेशा लाइबिलिटी ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है, एज अ लाइबिलिटी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो आपके लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे उसको आप डायरेक्टली क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब लॉन्ग टर्म जो डेट्स हैं वही आपके कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएंगे। लेकिन शेयर होल्डर फंड अप्रोच में क्या होगा कि वो आपके लिए सिर्फ लाइबिलिटी रहेंगी, वो अपने कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बनेंगे। अब समझो जरा इसको, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। नॉर्मली हम लेकर चल रहे हैं बैलेंस शीट, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो बैलेंस शीट में देखो बेटा, यहाँ पर हमें पता है करंट एसेट्स आएंगे, फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या सकता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ सकती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ सकती है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई। जब हम बात करते हैं ये एसेट साइड की बात है, अब लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में हमें पता है क्या क्या आ सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स आ सकते हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म डेट्स आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे इसमें पॉइंट आ सकते हैं। तो अब देखिए बेटा, इसके अंदर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं, तो वो सारे हमारे क्या हैं, वो इंटीरियर लाइबिलिटीज़ हैं, वो हमारे क्या है, एक बिजनेस के अंदर की बात है। लेकिन जब बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स की, लाइक लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन था फ्रॉम बैंक, तो लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक क्या हुआ हमारे लिए, वो आउटसाइड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी तो है पर आउटसाइडर की लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म डेट्स जैसे कि बिल्स पेएबल हो सकते हैं, ठीक है, और एनी अदर करंट लाइबिलिटीज जो भी हैं वो सारी इसके अंदर आ सकती हैं बेटा, समझ रहे हो। तो मतलब जो लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया, शॉर्ट टर्म डेट्स हो गया, ये हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा जो ये ऊपर वाली लाइबिलिटी है क्या है, ये हमारी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं। तो अगर हम शेयर होल्डर फंड अप्रोच अपना रहे हैं तो उसके अंदर बेटा ये मेन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स, ये मेन काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को आपने थोड़ा ध्यान रखना है। यस, हाँ जी। अब हम बात करेंगे पहले लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच की, कि लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच में जो एसेट साइड अप्रोच है और लाइबिलिटी साइड अप्रोच है, इसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड को किस तरीके से डील करेंगे। यस, तो लॉन्ग टर्म फंड जो अप्रोच है बेटा, उसके अंदर जो एसेट साइड रूल है उसमें क्या होता है कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें करना है फिक्स्ड एसेट जो है, जो हमारा फिक्स्ड एसेट है बेटा, उसको लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आएगी, ध्यान रखना। फिर जो भी करंट एसेट्स है उसको भी ऐड कर देंगे। तो उसको, उन सबको ऐड करने के बाद उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ओनली करंट लाइबिलिटीज़। क्या माइनस करेंगे बेटा, करंट लाइबिलिटी। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। क्लियर है, हाँ जी। उसके बाद लाइबिलिटी साइड अप्रोच देखेंगे, तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच में हमें पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन सबको ले लेंगे। और हमने देखा था कि जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, ठीक है, इसको हमने क्या डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड माना था, इसमें अपने जो दूसरे जो लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच थे उसके अंदर, तो उसको भी हमने यहाँ पर ले लिया। इन सबको ऐड किया और इसमें से माइनस कर देंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, ऐसे एक्सपेंडिचर जो अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, सस्पेंस अकाउंट जो है हमारा, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इस तरीके से कोई भी है जो अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो नीचे कुछ इसने नोट दिया है, तो क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शुड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, उनसे हमारा कुछ ऑपरेशंस नहीं क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा बोल रहा है कि एग्जांपल दे रहा है, लाइक कोई फिक्स डिपॉजिट है, उससे दूसरा लैंड, लैंड कौन सी वाली,
विच इज़ नॉट यूज फॉर बिजनेस एंड डू नॉट यूल एनी इनकम, ठीक है, जो बिजनेस के लिए ना तो यूज़ की जा रही है, जो कोई इनकम जनरेट नहीं कर रही है, सिर्फ वाली लैंड, ठीक है ना बेटा। यस, आगे देखो क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड रिप्रेजेंट द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या एक्चुअली में, ये रिप्रेजेंट करता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है, जो कि इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस के अंदर किसके लिए, फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट जो की जाएगी एक फर्म के द्वारा, वो भले ही एसोसिएट कंपनीज में करें, भले ही सब्सिडरीज में करें, भले ही जॉइंट वेंचर में करें, हम उन सबको क्या ट्रीट करेंगे, हम उनको ट्रीट करेंगे एज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या ट्रीट करेंगे बेटा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब देखो बेटा नीचे एक मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना जरा, ये नीचे वाला पॉइंट जो है कि अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच लेके चल रहे हैं तो हमें जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उसको क्या करना है, माइनस कर देना है, डिडक्ट कर देना है। एसेट साइड अप्रोच लेके चल रहे तो हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, उसको लेने की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसको लेना ही नहीं हमने। यस, अब बात करते हैं शेयर होल्डर फंड अप्रोच की, जो फर्स्ट अप्रोच हमारी थी। तो जो शेयर होल्डर फंड अप्रोच है उसके अंदर बेटा देखो एसेट साइड रूल होगा, उसमें भी सेम वही बात आपके सामने बोल रहा है, देखो फिक्स्ड एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, उन सबको ऐड करके माइनस क्या कर देंगे, सॉरी करंट एसेट को हमने ऐड करना है, फिर करंट लाइबिलिटीज़ को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे, और लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे यहाँ पर क्या क्या कहलाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। सॉरी बेटा एक थोड़ा इसमें जो वो जो बताया मैंने वो अपना लॉन्ग टर्म फंड का था, जब हम शेयर होल्डर फंड की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो करंट लायबिलिटी और ये लॉन्ग टर्म डेट्स दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर होल्डर फंड अप्रोच है, तो इसके अंदर जो शेयर होल्डर फंड का जो लायबिलिटी होगी सिर्फ वही कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है, तो इस केस में जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था पिछली स्लाइड के अंदर कि शेयर होल्डर फंड अप्रोच में जो लॉन्ग टर्म डेट था हमने उसको क्या ट्रीट किया था, लायबिलिटी ट्रीट किया था, ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है बेटा? यस, हाँ जी। लायबिलिटी साइड रूल देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है, वही सेम पॉइंट, इक्विटी शेयर कैपिटल्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्वेशन सरप्लस, उन सबको ऐड कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो रिटर्न ऑफ नहीं हुए अभी तक, तो अपना कैपिटल इंप्लोड निकल जाएगा, ये सेम वही पॉइंट रहेगा। लेकिन हमेशा प्रेफरेबल क्या होता है कि हम हमेशा एसेट साइड जो अप्रोच है उसको प्रेफर करें, ठीक है बेटा। तो वो कैपिटल इंप्लॉयड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेयर वैल्यू, ठीक है, डोंट कंसिडर बुक वैल्यू। देखो मेन पॉइंट बोल रहा है फेयर वैल्यू पे लेकर चलेंगे, बुक वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेशन कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। क्लियर है? तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है इसकी। हाँ जी, तो आप कुछ क्वेश्चंस जरा देखते हैं बेटा हम। तो बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 दिसंबर 1990 वॉज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपये का कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी गिवन है, तो कोई झंझट ही नहीं यहाँ पर, तो आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन। तो बोल रहे हैं द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस फॉर लास्ट 5 ईयर्स वर, आपको लास्ट 5 सालों का जो अपना प्रॉफिट था वो आपको गिवन है, 1986, 1987, 1988, 1999 और सॉरी 1989 और 1990, 86, 87, 88, 89 और 90, ठीक है, इसका प्रॉफिट आपको गिवन है। बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, वो भी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, आपको गुडविल भी बता रखी जो 3 ईयर परचेज होगी किसका, सुपर प्रॉफिट की। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको सुपर प्रॉफिट के मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप देखो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग जाना है, तो आपको पहले देखना है कि सुपर प्रॉफिट निकलता किस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे गुडविल किस तरीके से निकलेगी इसके अंदर, तो गुडविल निकलने का तरीका क्या है, गुडविल निकालने का तरीका है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब नॉर्मल जो सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 ईयर्स गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जितने भी हमारे पास सामने देखो प्रॉफिट दिख रहे हैं आपको, इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया देखो यहाँ पर, तो आपके सामने यहाँ पर सुपर प्रॉफिट जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो निकल गया बेटा, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 44,000 निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो था उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन थी क्वेश्चन में कितनी, 1 लाख रुपीज़। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 15% गिवन था, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 लाख का 15% कितना आ गया, 15,000 आ गया बेटा, ठीक है। तो हम सुपर प्रॉफिट अब निकाल सकते हैं आराम से, जो एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था इसमें से जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकला है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 44,000 में से 15,000 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आया था बेटा, 29,000। अब 29,000 जो अपना क्या है, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को जो मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से।
अब नंबर ऑफ ईयर परचेज करना 3 ईयर्स था, तो 29,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर आंसर विल बी 87,000। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आपको इसको आंसर को सॉल्व करना है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा इसका। देखो क्या बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट जो है, हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 80,000। एवरेज प्रॉफिट 80,000 आपको डायरेक्टली गिवन है इस केस में, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब ये मेन पॉइंट देखो, अब इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट में कुछ जो है कंक्लूजन आपको निकालना पड़ेगा खुद से कि आपको एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है और उसमें बोल रहा है कि विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹8,000 ऑन एंड एवरेज बेसिस। अब यहाँ पर से दिक्कत होगी कि आपने तो पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर क्लोजिंग जो अपना स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड होगा तो नेट प्रॉफिट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यूड होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो क्लोजिंग और ओपनिंग की बात नहीं कर रहा है, ये क्या बोल रहा है एवरेज बेसिस पर। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल ध्यान रखना है कि अगर एवरेज बेसिस पर आपको स्टॉक दे दे, ठीक है, ये क्वेश्चन तभी लिया मैंने कि अगर एवरेज बेसिस पर आपको क्या देता है कि आपको स्टॉक देता है तो उसमें आप क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक नहीं बताएगा आपको, ठीक है। उस टाइम आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखना है कि वो क्या बोल रहा है, अंडर वैल्यूएशन बोल रहा है या फिर ओवर वैल्यूएशन बोल रहा है, ठीक है। अगर वो अंडर वैल्यूएशन बोल रहा है तो मतलब वो अंडर वैल्यूएशन है, एवरेज बेसिस पर कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो आपको डायरेक्टली उसको ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। अगर ओवर वैल्यूएशन बोला होता तो वो एक्सेस हो गया एवरेज बेसिस पर तो वो ज़्यादा हो गया है तो उसको आपको कम करना है तो आपको माइनस करना है, सिंपल रहेगा उस केस में, ठीक है। उस केस में क्या रहेगा, अंडर वैल्यूएशन है तो ऐड, ओवर वैल्यूएशन है तो माइनस, ठीक है बेटा। तो 80,000 में ये 8,000 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो आपका एवरेज प्रॉफिट अब कितना हो गया, 88,000 हो जाएगा बेटा। क्लियर है? हाँ जी। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 8 लैक्स। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है आपको बेटा, कैपिटल इंप्लॉयड को हम कई नामों से बुला लेते हैं यहाँ पर, तो कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब आपका कैपिटल इंप्लॉयड ही है, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 18% है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। अब 7 टाइम्स मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 7 ईयर्स है, ठीक है। हाँ जी, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, वो हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल इंप्लॉयड आपका कितना था बेटा, 8 लाख। 8 लाख का जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8% था, ठीक है। तो 8% आप ले लेंगे यहाँ पर, तो 8 लाख का 8% कितना आ गया, 64,000 आ गया बेटा। तो 64,000 आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 88,000 जो है आपका कितना एवरेज प्रॉफिट आया था बेटा, देखो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया था उसको ऐड करके अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को, तो 88,000 माइनस 64,000 जो आपने यहाँ पर निकाला तो आपका कितना आ गया, 24,000। ये आपका क्या निकल गया बेटा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका 24,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 7 गिवन है, तो 24,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,68,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको कैपिटल इंप्लॉयड भी निकालना पड़े, ठीक है। हाँ जी, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखो जरा, बोल रहा है आइडियल मार्केटिंग अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इज 10%, NRR आपको गिवन है 10%। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलो। तो 2019 जो 31 मार्च 2019 की आपको बैलेंस शीट गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल अगर ये 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 ईयर्स गिवन है। तो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, ठीक है, आपको एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको कैपिटल इंप्लॉयड गिवन होनी चाहिए थी, पर इस केस में आप देख रहे हैं आपको कैपिटल इंप्लॉयड गिवन नहीं है। हाँ जी, कैपिटल इंप्लॉयड गिवन नहीं है, तो अब देखो हम इसमें एसेट साइड अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टोटल जो भी एसेट्स होंगे, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, अगर देखो टोटल एसेट्स के अंदर से देखो अब यहाँ क्या क्या एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, सन्डे डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एंड कैश एट बैंक। अब इसमें क्वेश्चन एक चीज़ पर आता है इन्वेस्टमेंट पर, जब भी इन्वेस्टमेंट ना बताया जाए बेटा तो आप उसको ट्रीट कर लेना कि ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर इसको क्या ट्रीट कर लेंगे कि दिस इज़ अवर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल हमारा 23 लाख था, 23 लाख में से 1 लाख चला जाएगा तो कितना बच गया, 22 लाख, ठीक है। 22 लाख में से जो हमारे आउटसाइड लाइबिलिटीज, जो आउटसाइड डेट्स हैं वो कौन कौन से, आप देखते हैं कैपिटल हमारा इनसाइड होता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
ठीक है, करंट अकाउंट जो है वो भी हमारे इनसाइड होंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व्स हमारे इनसाइड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सनरेज क्रेडिटर आउटसाइड रहे तो इसको ले लेंगे। बिल्स पेबल आउटसाइड रहे इसको भी ले लेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस आउटसाइड रहे इसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो जो जो भी हमारा यहाँ टोटल 22 लाख आ रहा है, उसमें से जो भी हमारा आउटसाइड लाइबिलिटीज थी उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा। तो आगे देखते हैं इसको। तो गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो उसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए हमें कैपिटल इंप्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकाला, देखो जरा, टोटल एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया। तो टोटल एसेट अपना 23 लाख था जो टोटल आ रहा था। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने देखी, जो इन्वेस्टमेंट दी थी 1 लाख रुपए की दी थी, हमने उसको माइनस कर देना है यहाँ से, क्योंकि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो 5 लाख 60 जा रहा है, ये कैसे आया बेटा, देखो जरा यहाँ से आया, देखो ये, हाँ जी, ये कितना, देखो ये कितना है, 4 लाख सेंटर क्रिएटर्स। और बिल्स पेबल कितना है, 1 लाख, 4 1 5 लाख हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है, 60 हज़ार है, तो कितना आ गया, 5 लाख 60 हज़ार। यहाँ से 5 लाख 60 हज़ार अपना आ जाएगा, ठीक है। तो 5 लाख 60 हज़ार हमने यहाँ पे देखो माइनस किया, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, उसको माइनस करने का, तो हमारे पास 16 लाख 40 हज़ार क्या आ गया, कैपिटल इंप्लॉयड। अब कोई दिक्कत नहीं, अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन चुका है। 16 लाख 40 हज़ार का 10% निकालेंगे तो 1 लाख 64 हज़ार आएगा, और हमें 4 लाख एवरेज प्रॉफिट गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट में से 1,64,000 को माइनस करेंगे, क्योंकि वो हमारा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इनको माइनस करके हमारे पास 2,36,000 हमारे पास जो आया सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 गिवन था आपको, तो 2,36,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,08,000 आपका गुडविल इस फर्म का निकल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है बेटा, हाँ जी। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड बेटा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, ध्यान रखना चीज़ को। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो अपना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। समझ रहे हो, पहले एवरेज प्रॉफिट था, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड आया, फिर अगला मेथड आया कैपिटलाइजेशन, कि दोनों को कैपिटलाइज करते हैं तो कैसा होगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को अलग से कैपिटलाइज करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड को अलग से कैपिटलाइज करना है। तो उन दोनों का हमने देखना है कि कैसे डीलिंग होगी। तो पहले हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसको कैसे निकालते हैं। तो बोल रहा है हेयर द गुडविल इज असर्टेंड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज नेट एसेट्स फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि जो आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपका नेट एसेट्स है उसको माइनस करना है, किसमें से, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आपको पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, इसके अंदर नेट एसेट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तब ये निकालना कैसे उसको समझते हैं बेटा। देखो नीचे गुडविल का फॉर्मूला इन्होंने दिया ना, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। क्लियर है, तो देखिए आगे फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो बोल रहा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा, कि आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है एवरेज प्रॉफिट तो बहुत अच्छी बात है, गिवन नहीं तो आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर कुछ नहीं करना है आपको, जो एवरेज प्रॉफिट है जो उसको हमने जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ऊपर 100 चला जाएगा और जो भी रेट होगी वो नीचे चली जाएगी। मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% था, मान लेते हैं एक टाइम के लिए, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/8, जो 8 आपका नीचे चला जाएगा। क्लियर है, उससे आपकी कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का। फिर कैपिटल इंप्लॉयड हमें पता ही है कि टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये सिंपल फॉर्म में इसको बोल सकते हैं, पीछे हम इसको डीप में करके आ चुके हैं बेटा, है ना। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एवरेज प्रॉफिट आपका गिवन है 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10,000, टोटल एसेट्स गिवन है 4 लाख, लाइबिलिटीज गिवन है 50,000, ठीक है। कैपिटलाइज, अब आपको क्या करना है, पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट 50,000 था, 50,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, डिवाइड बाय 10 करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो का फॉर्मूला था। तो 5 लाख आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आएगी। कैपिटल इंप्लॉयड आप कैसे निकालेंगे, 4 लाख में से माइनस करेंगे 50,000 को, देखो जो 4 लाख हमारा टोटल एसेट था उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, और कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है नहीं यहाँ पर। तो 4 लाख में से 50,000 माइनस किया तो 3,50,000 आ गया बेटा। तो 5 लाख टोटल जो अपना कैपिटल इंप्लॉयड कैपिटलाइज वैल्यू निकली थी एवरेज प्रॉफिट की, उसमें से जो कैपिटल इंप्लॉयड हमारा निकला 3,50,000 उसको माइनस कर दो, तो 5 लाख में से 3,50,000 गया, तो आपके डायरेक्ट गुडविल निकलेगी यहाँ पर। इस केस में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ जी। तो बोल रहा है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल ऑफ गुडविल,
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इसका देखो जो सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट ले लो मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर रेट ऑफ रिटर्न जो भी होगी आपकी, फिर नेट एसेट्स ऑफ द फर्म निकाल देंगे टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल माइनस टोटल लाइबिलिटीज जो भी होंगी, फिर गुडविल निकाल देंगे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट ऑफ द फर्म, ठीक है। हाँ जी, तो अब इसमें देखो स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। अब स्टेप्स वैसे आपको एक तरफ से मैं बता चुका हूँ, पर फिर भी देखो एक सीक्वेंस में चलते हैं। कैलकुलेट करना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट, फिर कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर करके, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर। स्टेप थ्री क्या आएगा, कैलकुलेट करना है नेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द ऑन द वैल्यूएशन डेट, जो वैल्यूएशन डेट है जिस डेट को वैल्यूएशन कर रहे हो उस डेट पर क्या उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, वो निकाल देंगे। अब ये आपको देखो दे ही रखा है कि ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं कैपिटल इंप्लॉयड किस तरीके से निकालना है। स्टेप फोर क्या होगा, गुडविल, गुडविल के अंदर क्या करना है कैपिटलाइज वैल्यू के अंदर से नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस जो भी होगा उसको माइनस कर देंगे आप, क्लियर है। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका बेटा। अ फर्म अर्न्स ₹1 लाख एज इट्स एनुअल प्रॉफिट, ठीक है, एनुअल प्रॉफिट उसका, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 5% दे रखा है, ठीक है। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 15 लाख एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लाइबिलिटीज, सॉरी एंड लाइबिलिटीज आर 5 लाख, लाइबिलिटी भी गिवन है एसेट्स भी गिवन है तो कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एवरेज प्रॉफिट भी यहाँ पर गिवन है कितना 1 लाख, तो 1 लाख द गिवन है। और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला पुट करेंगे, तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपका आ गया 20 लाख, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट आएगा आपका नेट एसेट्स बोल दो या फिर कैपिटल इंप्लॉयड बोल सकते हैं इसको आप। तो उसके लिए टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे, तो एसेट कितना था अपना 15 लाख, लाइबिलिटी थी 5 लाख, तो 15 में से 5 क्या 10 लाख आ गया, तो 10 लाख आपका क्या आ गया बेटा यहाँ पर जो आपकी नेट एसेट्स आ गया ऑफ द फर्म। तो अब क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो आपने निकाली थी 20 लाख रुपया उसमें से माइनस कर देना है नेट एसेट्स को, मतलब कि जो 10 लाख निकले थे, तो 20 लाख में 10 लाख गया तो कितना बच गया बेटा 10 लाख, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। हाँ जी, एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं थोड़ा अलग टाइप से। तो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो जरा यहाँ पर बोल रहा है एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इन द बिजनेस 7 लाख। अब देखो बेटा यहाँ क्या बोल रहा है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड वाला ध्यान रखना है चीज़ को, हमें एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। अगर कुछ भी ना दिया होता तब हम इसको कंसिडर कर लेते, हाँ अगर आगे एसेट्स और लाइबिलिटी की बात ना की होता तो हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आगे एसेट्स लाइबिलिटी की बात की जाएगी तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ जी, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर पास्ट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का हमें प्रॉफिट दे रखा है 11, 12, 13 का 1,47,600 और 1,48,100 1,52,500, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 18%, रिस्क इन्वॉल्व जो है, जो सन्डरी एसेट्स हैं वो कितने है बेटा 7,54,762 आ गया, फिर सन्डरी लाइबिलिटी दे रखे हैं 31,329 और फेयर रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर द सर्विस क्या है 1200 पर मंथ, ठीक है 1200 पर मंथ ध्यान रखना, तो इसको 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक बात और, ये इसमें नया पॉइंट है बेटा, जो फेयर रेमुनरेशन होता है बेटा उसको आप एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, वो आपके क्योंकि वो फेयर रेमुनरेशन जो है वो तो आपको एवरेज प्रॉफिट में से देना ही देना है, उसके अलावा जो होगा उसके बेस पर हम गुडविल निकालते हैं, ठीक है बेटा ध्यान रखना इस चीज़ को। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका, सर पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना बेटा, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, देखो आपके सामने यहाँ पर ऐड किया इन तीनों प्रॉफिट साल के प्रॉफिट को, तो आपका टोटल आ गया 4,48,200, ठीक है। तो अब एवरेज प्रॉफिट जो आया है वो कैसे आएगा, 4,48,200 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ गया 1,49,400, ठीक है ना। तो उसके जो हम अपना जो फेयर रेमुनरेशन था, ठीक है, तो उसको जो है जो जितना भी फेयर रेमुनरेशन बन रहा है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो अपना कितना आ गया, अपना 12,000 आ गया, ठीक है ना बेटा, पर एनम बोल रहा है सॉरी यहाँ पर, तो देखो पर एनम के साथ पूरा 12,000 आएगा, पर मंथ बोलता तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो 12,000 अपना यहाँ फेयर रेमुनरेशन आ गया, तो उसको माइनस करेंगे, मैंने आपको बताया था, उसको माइनस करने के बाद जो अपना प्रॉफिट आएगा ना उसको हम एक्चुअली बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये
कि देखो जो 12,000 रेमुनरेशन दे दिया वो तो मेंटेनेंस के काम आएगा नहीं, है ना, तो इसलिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या आएगा, 137,400। अब निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। हाँ जी, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 137,400 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हाँ जी बेटा, 100 से डिवाइड किससे करेंगे, 18 से, क्यों, हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने वही किया यहाँ पर, एवरेज जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट था या फिर बोल दो कि एवरेज प्रॉफिट उसको लेंगे हम, तो वो 137,400 था, यहाँ लिया उसको, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18, तो आपका जो आ गया जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 736,333। अब हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें एसेट्स लायबिलिटी ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, बैठा देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गिवन है ना, तो इसको ले लेंगे यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना है, बस एसेट्स में जो लायबिलिटी उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल गया, 723,433। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, गुडविल निकालना है, तो कैपिटलाइज वैल्यू जो आपकी निकली थी यहाँ पर ये वाली, उसमें से आपको इसको माइनस कर देना है, तो आपका जो आंसर है 39,900 आपका गुडविल का जो आंसर है निकल जाएगा। क्लियर है बेटा, यस जी। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंडर ही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया, उसके अंदर हमारा बस क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है एवरेज प्रॉफिट की, उसमें से माइनस करना है जो भी आपका नेट एसेट्स है वो कैपिटल इंक्लूड है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत ईजी है बेटा, ठीक है, इसके अंदर सिंपल जो सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है और सुपर प्रॉफिट को आपको कैपिटलाइज कर देना है, सिंपल और कुछ नहीं करना। कैपिटलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या है, अगर आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो आपको डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा, इसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं करना है, ये बिल्कुल ईजी है। यस, देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ, जैसे सुपर प्रॉफिट कितना है, 20,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, तो कुछ नहीं करना, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला पुट करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट कितना, 20,000 था, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो आपका 2,00,000 रुपये क्या आ गया, आपकी गुडविल का वैल्यू आ गया अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर बेटा, हाँ जी। तो इसके अंदर आगे दोबारा ये बोल रहे थे, गुडविल अंडर दिस मेथड इज असर्टेंड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, सिर्फ सिंपल जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके बेसिस पे हम निकाल देंगे। दिस मेथड असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग द सुपर प्रॉफिट, ठीक है, बोला द वैल्यू ऑफ गुडविल कंप्यूटेड एज फॉलो। तो एनुअल जो अपना यहाँ पर लिखा हुआ देखो बेटा, यहाँ पर देखेंगे आप कि एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इस तरीके से आपकी गुडविल निकल जाएगी इसकी। हाँ जी, तो इसका देखो अभी उसका पूरा आपके जो नोट्स बनाने में ईजी रहेगा इसलिए मैंने इस स्लाइड को लिया है। इसके अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पहले हम पहले करके आ चुके हैं इसको, हालांकि पहले से अब नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 जो हमने पहले किया था, फिर उसके बाद क्या करना है, ठीक है, उसके बाद हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी को सिंपल फॉर्म में लिखा हमने यहाँ पर, फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट वो निकाल देंगे, उसके बाद गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो ये पूरा इसका प्रोसेस रहेगा, हालांकि ये पूरा प्रोसेस हम ऑलरेडी एडवांस में कर चुके हैं, ठीक है बेटा, यस। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, देखो आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है बेटा, देखेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है 250,000 की, क्रेडिटर्स गिवन है 80,000 के, बिल्स पेबल गिवन है 20,000 के, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 180,000 की, मशीनरी गिवन है 110,000 की, फर्नीचर गिवन है 2,000, स्टॉक गिवन है 8,000, कैश एट बैंक गिवन है 50,000, ठीक है, तो टोटल इसका 350,000 आपके सामने आ रहा है। बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द बिजनेस फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एंडिंग 31st March 2013 इज 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 का जो आपको प्रॉफिट गिवन है 40,000, 42,000, 45,000, 53,000, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। द एसेट्स आर रीवैल्यूड, अब ये देखो बेटा इसमें मेन पॉइंट आया है, जो एसेट्स आपके वो रीवैल्यूड हुए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गया, 19,400, ठीक है, नहीं बेटा ये जो अमाउंट एक्चुअली गलत लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज़ को, ये ना 1,94,000 होगा, ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग है जो रीवैल्यू हुआ वाला कि 19,400 बाई मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पर 1,94,000 होगा क्योंकि ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 1,80,000। हाँ जी,
हालांकि इतना हो सकता है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1,94,000 होगा, वो बाई मिस्टेक लिखा गया है। मशीनरी कितनी है? 1,18,000। रीवैल्यूड का मतलब कि अब ये दोबारा से नए तरीके से चेंज कर दी गई है, अब दोबारा इसकी वैल्यूएशन हुई है, उसमें पता चला है कि पहले मशीनरी 1,10,000 की थी, अब मशीनरी 1,18,000 की होगी है। फर्नीचर पहले 2,000 के थे, अब फर्नीचर 1,000 के। हमें हमेशा क्या करना है बेटा, जो भी रीवैल्यूड है, जो भी रीवैल्यूड अमाउंट है उनको कंसिडर करना है। अब बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, हम रीवैल्यूड अमाउंट को ही कंसिडर करेंगे। फाइंड आउट गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है, इन सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। देखो इन्होंने क्या हुआ, नीचे सारा का सारा जो प्रॉफिट था उसको इन्होंने क्या किया है, हाँ जी, सारा प्रॉफिट जो था उसको इन्होंने प्लस किया, तो टोटल आ गया 2,30,000। 2,30,000 डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपका 46,000 जो आपका आ गया बेटा, वो आ गया आपका प्रॉफिट, ठीक है, कौन सा, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें पहले कैपिटल इंप्लॉयड निकालना पड़ेगा। अब कैपिटल इंप्लॉयड किसके बेसिस पर निकालेंगे, जो नया रिवैल्यूएशन हुआ है उसके बेसिस पर। तो देखो बेटा क्या किया इन्होंने, कैपिटल इंप्लॉयड के लिए करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स लिए इन्होंने, करंट आ गए, देखो करंट वैल्यू देखो, लैंड एंड बिल्डिंग की वो 1,400 लिखा था वो गलत था, 1,94,000 होगा। मशीनरी 1,18,000 आएगा। फर्नीचर जो पहले 2,000 का था अब 1,000 का रहेगा। जो स्टॉक है वो 8,000 का रहेगा। कैश एट बैंक है वो 50,000 का रहेगा, उसमें चेंज नहीं हुआ था। तो टोटल एसेट कितना आ गया, 3,71,000 आ गया। अब लेस क्या करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज़। अब इधर आ जाओ बेटा दोबारा क्वेश्चन में, तो आउटसाइड लाइबिलिटी कौन कौन सी होंगी इसमें, कैपिटल आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, तो क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो ये कितना कितना अमाउंट है बेटा, देखो जरा, जो क्रेडिटर्स हैं वो 80,000 है और बिल्स पेबल कितना, 20,000 है, ठीक है बेटा, देख रहे हैं आप, 80,000 और 20,000, यस। तो यहाँ देखेंगे आप, तो आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है, 80,000 और 20,000, तो टोटल आ गया 1,00,000। तो 3,71,000 में से 1,00,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 2,71,000। तो ये आपका कैपिटल इंप्लॉयड निकल गया। अब आपका कैपिटल इंप्लॉयड निकल चुका, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब सारा आंसर निकल जाएगा आराम से। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल इंप्लॉयड 2,71,000 आप देखो यहाँ निकल चुका है, उसको लेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% था तो 10/100 कर दिया, तो 27,100 आपका क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, कितना निकला था पीछे बेटा क्वेश्चन में अपना, 46,000 वो ले लिया, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला है, 27,100। तो 46 में से 27,100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18,900। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, सुपर प्रॉफिट। अब वैल्यू निकालनी है बाय विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कुछ नहीं करना है, जो सुपर प्रॉफिट मेथड आया है उसको आप कैपिटलाइज वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे किसको, 18,900 को, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने 10% थी, तो 18,900 को मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो 1,89,000 आपकी क्या निकल गई, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकल गई बेटा, क्लियर है। तो हमने जो इसमें पढ़ा बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड, वो देखो उसके अंदर दो पॉइंट आए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको दो चीज़ें निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है और एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है, और उनको माइनस कर देना आपस में, आपकी गुडविल निकल जाएगी। सुपर प्रॉफिट में आपको सिंपली कैपिटलाइज करना है मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक गुडविल। तो गुडविल का टॉपिक बेटा हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।